नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचंद्र मानस आप बात तो अवश्य देखते होंगे, पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं। आप सब लोग बात देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरित मानस के अयोध्या कांड पाठ में। ये मास्टरायण का 16वां 17वां विश्राम है। ये 17वां विश्राम चल रहा है और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता ही है ये मैं पाठ कर रही हूँ मंदिर के लिए, तो सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत ज़रूरी है और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए शेयर करके कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ें तो मंदिर का उद्धार हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है मंदिर के लिए। तो यही है, तो आज शुरू करते हैं हम आज का पाठ। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर भांति भांति बोलही में बिहग शवन सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पबीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। तो मैंने बताया नहीं पिछली बार, कल आपने कहाँ तक सुना था? कल हम थे श्री रामचंद्र जी ने जगह देख करके अपनी कुटिया बना ली है और वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। जो लक्ष्मण जी ने जगह तय की थी वहाँ पर कहते हैं कि जब से श्री रघुनाथ जी आकर के बसे हैं तब से वन मंगलमय हो गया था। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते फूलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेरों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन चंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। तो आज के पट पे आते हैं। करी के हरी कवि कोल कुरंगा विगत बैर बुच रही सब संगा फिरत अहेर राम छवि देखी हो मुदित मृग बृंद विशेष। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं शिकार के लिए। फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जय लगी जग माही देख राम बन सकल सिहाही। सुर सरी सर सही दिन कर कन्या में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं सब श्री रामचंद्र जी को वन में देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उद्यांचल अस्तांचल कैलाश मंदरांचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सैल हिमाचल आदित्य जेते चित्रकूट जसु गावहि तेते विधि मुदित मन मुखि न समाई श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का वश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसका उसमें मन उसके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसने बिना परिश्रमी बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटपत्र जाति पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति।
चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंगरादि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते रहते हैं। नयनवंत रघुवरी ही विलोकी, नयनवंत रघुवरी ही विलोकी, पाई जन्म बल हो ही विशोकी, परसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर नयनवंत रघुवर ही विलोकी, पाई जन्म फल हो ही विशोकी, परसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर बलवत वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद के अधिकारी हो गए। सौवन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कय कवनि विदुतासु, सुख सागर जय कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक से ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रघुनाथ जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जय सिंह लखनऊ राम रहे आई, कही ना सकहीं सुषमा जस कानन, जो तस सहस हो ही सिंहासन। शिव सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सौ में बर निकहो विधि के ही, डाबर कमट की मंदर ले ही, से वहीं लखनु करम बन बानी, जाए नसील सने हो बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छीन छीन लखसिए राम बद, जानी आप पर नहीं हूँ, करत न सपने हूँ, लखनऊ चितु बंधु मात बता देहू। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। तो जिस मंदिर का मैं आपसे वर्णन कर रही थी, वो मंदिर का मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ। मैं उस मंदिर का वीडियो, छोटी सी क्लिप है, तो उस मंदिर की क्लिप में आपको डाल देती हूँ इस वीडियो के बीच में। तो आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि वो मंदिर आपको कैसा लगा। और उसी मंदिर के लिए ही हम प्रयासरत हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए उस मंदिर की खातिर, माता रानी की खातिर। तो आप सब लोगों को मंदिर वो कैसा लगा बताएं, और एक लाइक तो बनता है मंदिर की खातिर। और राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन जह सुरति विसारी, छिन छिन पिए विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनउ चकोर चकुमारी। श्री रघुनाथ जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के योग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण वह श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर रहती है।
नाने हो नित बढ़त विलो की हर्षित रहती दिवस जिमिष को की सिय मनु राम चरण अनुरागा अवत सहस मनसम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने पति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रीतम लागा प्रिय परिवार कुरंग बिहागा सास ससुर सम मुनितिय पुनिवर असनु अमी सम कंद मूल भर। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई मयन शयन सय सम सुखदाई लोक पहो ही बिलोकत जासु तेहीं के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुल पत्तों की से कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों के सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तज ही जन जन तृण सम विषय विलास राम प्रिया जग जननी सिये कछु न आचरु तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि राम रामायण का पाठ है और रामायण का पाठ सुनने से या रामायण का पाठ करने से या सुनने से राम जी की कृपा बनी रहती है। इसमें राम जी की शेष जो शेषनाग का जो रूप है लक्ष्मण जी वो उनकी माता सीता जो देवी माता का रूप है उन सबकी कृपा बनी रहती है तो अच्छा रहता है। आप लोग सहयोग कीजिए इसमें मेरा, मैं तो पाठ तो मैं कर रही हूँ और उसके साथ आप लोग मेरा सहयोग कीजिए तो मेरी भी हेल्प हो पाएगी और आप लोगों पर भी राम जी की कृपा बनी रहेगी। सुमिरत राम ही तज ही सिये लखन जेहि विधि सुकुल लही सोई रघुनाथ करही सोई कहीं कहि पुरातन कथा कहानी सुनहीं लखनऊ सिये अति सुख मन। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब रामू अवध सुधी करहीं तब तब बारी बिलोचन भरहीं सुमिरी मात पिता परिजन भाई भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु परु हो ही दुखारी धीरजु धरही कुसमय बिचारी लखी सिए लखनऊ बिकल हो जाही जिमी पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर वो समय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रियापन बंधु गति लखनु लखी रंग रघुनंदनु धीर कपाल भगत उर चंदनु लगे कहन कछु कथा पुनीता सुखी
सुने लहि लखनऊ और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। राम लखन सीता सहित सोहन पर निकेत जिमी वासव बस अमरपुर सची चयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी समेत श्री रामचंद्र जी परणकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो वही प्रभु सिए लख नहीं कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे से वही लखनऊ सिए रघुवीर जिमी अविवेकी पुरुष सरी रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी देखभाल करते हैं जैसे पल के नेत्रों की गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी चेष्टा सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करते हैं। तो आज का पाठ हम यहीं पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में एक नए उमंग एक नए तरंग के साथ में। तब तक के लिए राम राम। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, पाठ सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल का आइकन है उसको भी प्रेस की हिट कीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं ये सुबह सुबह डालती हूँ मैं 8-9 बजे तक, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ गया है और आप देख पाएँ। तो तब तक कल के लिए नमस्कार।